बीएफएस से पहले हमारे पास एक ग्राफ जो है, इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मेमोरी में, लेट्स लुक एट दैट। और हम यहाँ पे C++ STL का यूज करना चाहते हैं इस पर्पस के लिए, तो हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं और कितनी एजेस हैं। तो जब इन ग्राफ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक जीरो इंडेक्स वाले नोड की भी जरूरत पड़ेगी, तो अपनी तरफ से इस गिवन ग्राफ में हम एक और वर्टेक्स इंसर्ट कर देते हैं जिसका जिसका जो नंबर है वो जीरो है। लेट्स से ये जीरो वाला जो है वो 3 से कनेक्टेड है, आप कुछ और से कनेक्टेड करना चाहते हो वो भी कर दीजिए, लेट्स से जीरो वाला 5 से भी कनेक्टेड है। सो हियर वी हैव अ ग्राफ एंड इन दिस ग्राफ वी हैव 8 वर्टिसेस। सो लेट्स से n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 8 हियर। सिमिलरली वी नीड टू नो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द ग्राफ। सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 edges. Okay, so we have 9 edges. तो हमें क्या करना है कि इन 8 vertices और 9 edges को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है। तो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए या मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो एडजेसेंसी लिस्ट होता है। हालांकि एक तरीका एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी है, लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट प्रेफर करते हैं। तो किसी भी ग्राफ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट इज अ गुड मेथड। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, ये एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट्स को मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये ग्राफ है तो हम एक एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट बनाते हैं और इस एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट की जो साइज होगी दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। And so here we have 8 vertices. So I can say that this is representing the 0 number vertex and its connection. This will represent the 1 number vertex and its connection. And then this will represent 2 number vertex and its connection. This with 3, the 4, 5, 6 and 7. So we have many list which will be representing the connections with the vertices. So let's say we are talking about the 0 number vertex. So the zero number vertex is connected with 3 and 5 vertex. Hence, चलो हम एक काम करते हैं कि एक एक एज लेते हैं। तो लेट्स से वी आर नंबरिंग द एज। सो लेट्स से दिस एज इज 1, दिस एज इज 2, दिस एज इज 3, दिस एज इज 4, दिस एज इज 5, दिस एज इज 6, लेट्स से दिस एज इज 7, दिस एज इज 8 एंड दिस एज इज 9। तो वन नंबर एज जो है उसके एंड पॉइंट्स हैं 0, 3। इसका मतलब क्या है कि 0 से कनेक्टेड 3 है और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 से कनेक्टेड 0 है। तो हम एक काम करेंगे कि ये जो 0 वाला है लिंक लिस्ट उसमें हम ऐड कर देंगे 3 को और सिमिलरली 3 वाले लिंक लिस्ट में हम ऐड कर देंगे 0 को। आई होप दिस मेक सेंस बिकॉज वी हैव एन एज फ्रॉम 0 टू 3। सो इट मीन्स दैट 0 इज कनेक्टेड विद 3 एंड 3 इज कनेक्टेड विद 0 सिंस दिस इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ। इफ इट वर द डायरेक्टेड ग्राफ इन दैट केस 0 वॉज कनेक्टेड टू 3 बट 3 इज नॉट कनेक्टेड टू 0। सो उस केस में केवल हम 0 वाले लिंक लिस्ट में 3 को ऐड करते हैं लेकिन 3 वाले लिंक लिस्ट में 0 को ऐड नहीं करते। सो ये जो हम मेथड देख रहे हैं इसमें आपको इसी दृष्टिकोण से देखना है कि हमको इसको डायरेक्टली जाके इंप्लीमेंट कर देना है। तो वी हैव सेड दैट कि 0 वाले से 3 कनेक्टेड है, 3 वाले से 0। सिमिलरली अगर हम 2 नंबर एज देखें, सो 2 नंबर एज क्या है, दिस इज 0 टू 5। सो वी कैन से दैट 0 से 5 कनेक्टेड है और 5 से 0 कनेक्टेड है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स देखिए, आप लोग बताएंगे बच्चों कि यहां तक आपकी बात समझ में आई है? यस सर। ओके, सो और भी रिस्पॉन्स मिलेंगे तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहेगा। सो लेट्स टेक अनदर एज। ओके, लेट्स टेक अनदर एज, व्हिच इज द एज नंबर 3, व्हिच इज 5 6 एज। हियर वी कैन से दैट 5 से 6 कनेक्टेड है एंड 6 से 5 कनेक्टेड है। ओके, similarly we are taking the next edge that is 5 7 edge. 4 number edge is the 5 7 edge. So 5 7 edge means 5 se 7 connected hai or 7 se 5 connected hai. Similarly we are taking the 5th number edge which is 3 to 5. It means that 3 se 5 connected hai or 5 se 3 connected hai. So 3 se 5 connected humne kar diya or 5 se 3 connected kar diya. Let's take the another edge, edge number 6. So edge number 6 is 3 to 4. It means that 3 से कनेक्टेड होगा 4 and 4 से कनेक्टेड होगा 3. Then let's take the 7th number edge. This is 1 4. It means 1 से कनेक्टेड है 4 and 4 से कनेक्टेड है 1. Then
let's take the eighth number edge, which is 1, 2. 1, 2 means once are connected at 2 or 2 are connected at 1. Ninth number edge, which is the last edge for us, this is 2, 3 edge. So 2, 3 edge means 2 are connected at 3 or 3 are connected at 2. Okay, so here we have the adjacency list. Okay, so adjacency list में क्या है कि हम मान सकते हैं कि array of linked list है, या हम मान सकते हैं कि अलग अलग linked list है मेरे पास, total number of vertices 8 हैं, इसलिए 8 अलग अलग linked list है. तो पहले linked list ये कह रही है कि 0, 0 वाली linked list है जिसमें कि 3 और 5 connected है, मतलब एक सेकंड में इसको कलर चेंज करके आपको बताता हूँ दिस पार्ट. सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ये मुझे ये बता रहा है कि 1 वाली लिंक लिस्ट में 4 और 2 कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि 1 से 4 है जाए और 1 से 2 है जाए. सो दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट. ओके, सो एडजेसेंसी लिस्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों. तो अब हम क्या करते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं कि हम कैसे सी प्लस प्लस में इसको बना पाएंगे. सो एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए आपको सी प्लस प्लस में एक वेक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो आप सभी लोग जानते हैं कि आप एक इंटीजर टाइप का वेक्टर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं. वेक्टर मींस एक सिंपल सा एरे है और वो डायनेमिक एरे है जिसमें जिसकी साइज ग्रो करती रहेगी विद टाइम. अगर ये सिंपल सा वेक्टर है तो हम वन डायमेंशनल एक चीज क्रिएट करेंगे, लेकिन जो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट दिख रही है वो 2D टाइप की दिख रही है. 2D टाइप का मतलब क्या है कि अगर ऐसी लिस्ट है तो यहाँ पे 0 से कनेक्शन हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1 से कनेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे 2 से कनेक्शन दिखा रहे हैं और यहाँ पे 3 से कनेक्शन दिखा रहे हैं. इसका मतलब कि हमारी जो एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी वो 2D टाइप की बनेगी. तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि वी हैव द एरे ऑफ वेक्टर्स. तो एरे ऑफ वेक्टर कैसे क्रिएट होगा? वेक्टर, इंटीजर टाइप का वेक्टर, और इसका नाम लेट्स से हम ले लेते हैं एडजेसेंसी ADJ, और इसमें इसकी साइज कितनी होगी? जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे पास है. जैसे फॉर एग्जांपल इस एडजेसेंसी लिस्ट में जो हमने डिजाइन किया है, इस एडजेसेंसी लिस्ट में टोटल एंट्रीज कितनी होगी? टोटल एंट्रीज इसमें होगी, या इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 8. 8 इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस n. सो यहाँ पे भी हमने ये माना कि जो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है उसकी जो लेंथ है वो n होगी. तो हमारे पास एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट क्रिएट होगी. जैसे मेरे पास कोई एक एज आती है, लेट्स से मेरे पास एक एज आता है AB. ए बी एच का ये मतलब है कि ए से बी कनेक्टेड होगा और बी से ए कनेक्टेड होगा. सो हाउ विल यू शो दिस? हम क्या करेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट में जाएंगे और उसके ए वाली लिस्ट में बी को पुश बैक कर देंगे, या ए वाले में बी की एंट्री कर देंगे. सिमिलरली व्हाट वी विल डू कि एडजेसेंसी लिस्ट बी में ए की एंट्री कर देंगे. सो किसी भी एज के लिए हम ये काम करेंगे. ये मुझे बताइए आप बात समझ पाए इसको या नहीं? Yes, sir. ठीक है, सभी लोग इस बात को समझ पाए ना कि हमारा यहाँ पे कैसे हो रहा है कि हमने एडजेसेंसी माने एक एज गिवन है और उस एज को हम कैसे एंट्री कर रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट में. अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग मूव कर सकते हैं कोड पे कि हमने अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या उसकी एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाई जाएगी. करेक्ट, मूव करें बच्चों इफ यू अलाउ मी टू. यस सर. ओके, तो मैं काम करता हूँ कि इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और डायरेक्टली हम कोड वाली स्क्रीन पे जाते हैं. तो ये आपके पास ग्राफ आई है और इस ग्राफ के हिसाब से आप मुझे एंट्री बताते रहना कि कौन कौन सी एंट्री है, इसके हिसाब से हम कोड करते रहेंगे. इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं. Let's take the code part. तो ये जो कोड वाला पार्ट है इसको मैंने अभी सुबह ही लिख के रखा है. Let's explain this. यहाँ पे आप देखिए कि आप C++ का यूज कर रहे हैं, इसलिए IO stream आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और चूंकि आप C++ में सभी टाइप के STLs का यूज करना चाहते हैं इसलिए आपने यहाँ पे bits/stdc++.h का यूज कर दिया. फाइनली आपने यहाँ पे कुछ एंट्रीज यूजर से पूछी. तो आप क्या पूछने जा रहे हैं कि आप सबसे पहले पूछने जा रहे हैं कि हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द ग्राफ. So, यहाँ पे भी हमने n लिया था, यहाँ पे भी हम n का ही ले रहे हैं सारा. n is the total number of vertices in the graph. Okay. Now, जितने साइज का हमारा या जितने हमारे vertices होंगे उसी साइज का हमारा adjacency list बनेगा. So here we have created the adjacency list of size n. Fine. इसके बाद हम यूजर से पूछ रहे हैं कि कितनी एजेस हैं आपके पास. तो यूजर ने कहा कि मेरे पास जो एजेस हैं वो e हैं. तो मैंने हर एज के n पॉइंट्स को यूजर से इनपुट करा दिया. तो 1 से लेके E तक ये लूप चलाया और हर बार यूजर क्या कर रहा है कि एक एज का एंड पॉइंट इनपुट कर रहा है
और जो एंड पॉइंट इनपुट हमारा हो रहा है उसको हम ए और बी में ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम ए के ए वाली एडजेंसी लिस्ट में पुश बैक बी कर दे रहे हैं और सिमिलरली बी वाली एडजेंसी लिस्ट में पुश बैक ए कर दे रहे हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई बच्चे? प्लीज टेल मी। यस सर। नो मोर रिस्पॉन्सेस, मीन्स अदर्स आर नॉट अटेंडिंग सीरियसली। एनीवे, सो अब हम क्या करते हैं कि इसी एडजेंसी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट कैसे होगा, जैसे हमारे पास एक एडजेंसी लिस्ट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो टोटल रोज होंगी वो एन होंगी, तो हमने जीरो से एन तक, जीरो से एन माइनस वन का एक लूप चलाया, हर एडजेंसी लिस्ट में जो जो एंट्रीज है उसको प्रिंट करेंगे। तो इस लाइन पे आप देखना कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम जीरो नंबर में एंट्री कर रहे हैं, जीरो नंबर का क्या मतलब है, यहाँ से देखते हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जीरो वाली जो एडजेंसी लिस्ट है वो, ये वाला जो पार्ट है वो जीरो नंबर की एडजेंसी लिस्ट है। तो जीरो नंबर की एडजेंसी लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, थ्री है और फाइव है। ओके, इसी तरह से वन वाली एडजेंसी लिस्ट में कौन कौन से हैं, फोर है और टू है। टू वाले में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, वन है और थ्री है। देखिए टू वाले में वन है और थ्री है। सिमिलरली थ्री वाले में कौन कौन सा है, जीरो फाइव फोर टू, थ्री वाले में एलिमेंट्स हैं जीरो फाइव फोर और टू। तो मेरे को वन बाय वन प्रिंट कराएंगे। तो वन बाय वन प्रिंट कराने के लिए हमने क्या कहा, भाई जितने भी एडजेंसी लिस्ट हमारी बनी हुई है, जब हमने जितने भी एडजेंसी लिस्ट में नंबर ऑफ रोज है वो एन होंगी, तो पहला रो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा रो वन को, तीसरा रो टू को, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एन माइनस वन विल बी रिप्रेजेंटिंग द लास्ट रो। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हर एडजेंसी लिस्ट में जो जो एलिमेंट्स उनको हम प्रिंट कराएंगे। ओके, तो अगर हम एडजेंसी लिस्ट की बात कर रहे हैं लेट्स से जीरो वाले की, तो जीरो में हमने एंट्री किया और उसमें दो एलिमेंट हैं थ्री और फाइव, कैसे प्रिंट करेंगे, ए डी जे जीरो जीरो मीन्स थ्री और ए डी जे जीरो वन दिस मीन्स फाइव, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम एडजेंसी लिस्ट थ्री की बात कर रहे हैं तो एडजेंसी लिस्ट थ्री के जीरो वाले में पार्ट में है जीरो, जैसे ये वाला पार्ट, इसी तरह से थ्री वन पे क्या होगी एंट्री, आप में से कोई बताएगा एडजेंसी लिस्ट थ्री वन में कौन सी एंट्री होगी, इट विल बी फाइव। ओके, सिमिलरली एडजेंसी लिस्ट थ्री और टू के टू एंट्री कौन सी होगी बताइए, ए डी जे थ्री में टू एंट्री कौन सी होगी, इट विल बी फोर। लास्ट वाला मुझे मुझे मत बताने दीजिएगा, आप ही बताइएगा अगर आप सीरियसली अटेंड कर रहे हैं तो, ए डी जे थ्री थ्री कौन सी एंट्री होगी, यस इट विल बी टू। तो हमें कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं, जितने इस जिस जितना इस वाली एडजेंसी लिस्ट का साइज है, तो जैसे इस थ्री वाले का साइज है वन टू थ्री फोर, तो चार एलिमेंट प्रिंट करने हैं। चार एलिमेंट प्रिंट करने के लिए इस वाले का इंडेक्स जीरो होगा, इसका इंडेक्स वन होगा, इसका इंडेक्स टू होगा और इसका इंडेक्स थ्री होगा। तो अगर अगर आप इस वाले कोड या पार्ट ऑफ कोड को ऑब्जर्व करें तो पार्ट ऑफ कोड में क्या कहा गया है कि हमने एक जे ले लिया जिसको जीरो इनिशियलाइज कर दिया, और जब तक हमने आई की जो एडजेंसी लिस्ट आई की जो भी साइज है अगर हम वहां तक पहुंच जाए, वहां तक हमें पहुंचना है जे के सहारे, जे की इनिशियल वैल्यू जीरो एंड देन जे इज रीचिंग टुवर्ड्स दी एंड ऑफ दी गिवन आईथ एडजेंसी लिस्ट, और क्या करना है एडजेंसी आई जे को प्रिंट करना, ठीक है। तो जब ये सारे प्रिंट हो जाएंगे तो देन हम क्या करेंगे, एंड डल कर देंगे, न्यू लाइन में आ जाएंगे। न्यू लाइन में आने के बाद क्या करेंगे, आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए देखेंगे, मतलब की नेक्स्ट एडजेंसी लिस्ट। सिमिलर सा काम यहाँ पे भी करेंगे कि इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे या इसके साइज तक उस एडजेंसी लिस्ट के एलिमेंट को हम प्रिंट करें। तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों कैसे हम प्रिंटिंग कर रहे हैं? यस सर। ओके, तो हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं, और जो भी इसमें एंट्रीज है आप मुझे बताते रहिएगा, हम इसको करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्टिसेस हैं इस ग्राफ में, तो कितने वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं इस ग्राफ में, एंट्री कराते रहिए, मुझे बताते रहिएगा तो अच्छा रहेगा, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द ग्राफ, एट एट, एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर, नाइन एजेस। तो एज एंड पॉइंट्स ऑफ एज वन क्या क्या है, अच्छा एज वन के लिए आप एक काम कीजिए इधर आ जाइए ग्राफ, तो ग्राफ में बताइए कि एज वन कौन सी है, एज वन की एंड पॉइंट्स कौन कौन सी,
एज वन के एंड पॉइंट्स हैं 0 एंड 3, ठीक है, एज टू के क्या एंड पॉइंट्स हैं 0 एंड 5, एच थ्री के, एच थ्री के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं 5 एंड 6, एच फोर के 5 एंड 7, एच फाइव कौन सा है 3 एंड 5, एच सिक्स इज 3 एंड 4, एच सेवन इज 1 एंड 4, एच एट इज 1 एंड 2, एच नाइन इज 2 एंड 3, करेक्ट। तो देखिए हमने एडजेसेंसी लिस्ट प्रिंट कर दी, आप इसको जरा इस वाली एडजेसेंसी लिस्ट से कंपेयर करके देखिए कि क्या यही एडजेसेंसी लिस्ट है या इससे अलग है। जीरो वाली एडजेसेंसी लिस्ट में 3 5 है, वन वाली एडजेसेंसी लिस्ट में क्या क्या है 4 एंड 2 है, टू वाली एडजेसेंसी लिस्ट में 1 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए जो हमने एक डायग्राम में बनाया और राइट हैंड साइड में जो कोड के थ्रू आ रहा है एडजेसेंसी लिस्ट, क्या ये दोनों सेम है? वेरीफाई कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये दोनों सेम है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और इस एग्जाम्पल में अब हम लोग BFS करते हैं। अभी तो हमने केवल ये देखा कि कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। फाइन, ठीक है, थोड़े से चीजें जो इसमें एक्स्ट्रा है हम उसको रिमूव कर लेते हैं जिससे कि फ्री स्पेस हमें बचे और हम BFS कर पाएं। तो BFS करने के लिए हमें क्या जरूरत है? एक क्यू की जरूरत पड़ेगी। ये तो सभी को पता ही होगा कि BFS को परफॉर्म करने के लिए हमें एक क्यू की जरूरत पड़ती है, और BFS को परफॉर्म करने के लिए क्यू की जरूरत है। तो केवल एडजेसेंसी लिस्ट हमारे लिए सफिशियंट है, हमें अब ग्राफ को भूल जाना पड़ेगा, ग्राफ की जरूरत नहीं है। वंस वी हैव क्रिएटेड द एडजेसेंसी लिस्ट देयर इज नो नीड ऑफ द ग्राफ, सो वी हैव द एडजेसेंसी लिस्ट। और हम एक काम करते हैं कि एक क्यू ले लेते हैं अपनी तरफ से, और इस क्यू में सबसे पहले वर्टेक्स जीरो को हम डाल देते हैं, जीरो नंबर वर्टेक्स को डाल देते हैं। तो ये हमारा एक क्यू है। इसी के साथ साथ हमें एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, हर वर्टेक्स के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एक स्टेटस टेबल चाहिए या स्टेटस वेक्टर चाहिए। तो इस स्टेटस वेक्टर की साइज 8 होगी या एरे की साइज 8 होगी, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी वर्टिसेस का स्टेटस 0 होगा। इसका मतलब है कि इन सभी वर्टिसेस को अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। जैसे जैसे हम किसी भी वर्टेक्स को एक्सप्लोर करेंगे, इन वर्टेक्स को यहाँ पे स्टेटस में वन कर देंगे। तो जैसे कि अभी हमारे पास जीरो नंबर वर्टेक्स है जिसको हमने क्यू में डाल दिया। क्यू में डालने का मतलब है कि इसको हमने एक्सप्लोर कर दिया, इसलिए इसका स्टेटस हमने वन कर दिया। देन उसके बाद हम जीरो से कनेक्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। जीरो से कनेक्शन है एडजेसेंसी लिस्ट में हमें रेफर करना है। जीरो से कनेक्शन मेरे पास हैं, एक है 3 और एक है 5। 3 और 5 दोनों एक्सप्लोर नहीं हुए। देखिए आप इसमें स्टेटस वाली शीट में देख सकते हैं, स्टेटस वाले वेक्टर में ना ही 3 एक्सप्लोर हुआ ना ही 5 एक्सप्लोर हुआ। तो इन दोनों को आप एक्सप्लोर कर दीजिए और इनके स्टेटस को 1 कर दीजिए, ओके। एंड देन उसके बाद हम उसे नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करते हैं 3, और देखते हैं थर्ड वाली एडजेसेंसी लिस्ट में। थर्ड वाली एडजेसेंसी लिस्ट में पहला एलिमेंट है 0, लेकिन 0 का स्टेटस ऑलरेडी 1 है, तो इसको हम दोबारा से एक्सप्लोर नहीं करेंगे। देन 3 से एक कनेक्शन है 5, 5 का भी स्टेटस 1 है, इसका मतलब है कि हम इसको भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। देन हम 4 देखते हैं, और 4 अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसलिए हम 4 को एक्सप्लोर करते हैं और इसको क्यू में डाल देते हैं। तो स्टेटस हम 1 कर देंगे जब भी हम किसी वर्टेक्स को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 2 जो कि अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसलिए 2 को भी हम एक्सप्लोर कर देते हैं, इसका स्टेटस 1 कर देते हैं और 2 को क्यू में डाल देते हैं। देन हम 5 को डिलीट करते हैं क्यू से, और क्यू से जब हम 5 को डिलीट करेंगे तो 5 से कनेक्शंस देखते हैं। 5 से एक कनेक्शन है 0 जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, एक कनेक्शन है 6 जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसको क्यू में डाल देते हैं। देन वी हैव 7, 7 हैज आल्सो नॉट बीन एक्सप्लोर्ड, सो 7 को भी हम क्यू में डाल देंगे और 7 को स्टेटस को बंद कर देंगे। नेक्स्ट लेट्स डिलीट दी अनदर वन, दैट इज 4, 4 से जो कनेक्शन है वो 1 है 3 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, देखिए 3 ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, लेकिन 1 है लेकिन 1 एक्सप्लोर अभी नहीं हुआ है, तो 1 को एक्सप्लोर आप कर सकते हैं इस मोमेंट पे और 1 वर्टेक्स को क्यू में डाल दीजिए। देन वी आर रिमूविंग द 2, 2 से कनेक्शन है 1 जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, 3 वो भी एक्सप्लोर हो चुका है। आप देखें स्टेटस का ध्यान, स्टेटस वाले वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो कोई नया एक्सप्लोर नहीं होगा।
टू से नेक्स्ट डिलीट करते हैं, सिक्स, सिक्स से कनेक्शन है फाइव जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है, सेवन को रिमूव करते हैं, सेवन से कनेक्शन है फाइव जो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, वन है, वन को अगर आप डिलीट करेंगे तो वन से जो कनेक्शन है फोर एंड टू वो भी एक्सप्लोर हो चुका है. तो जो बी एफ एस का जो सीक्वेंस है वो है जीरो थ्री फाइव फोर टू सिक्स सेवन और वन. जिस ऑर्डर में आपने क्यू में डाला या क्यू से डिलीट किया एक ही बात है. इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि क्यू में फिफो ऑर्डर में इंसर्शन डिलीशन, फिफो ऑर्डर में डिलीशंस होते हैं, इसलिए आपने जिस भी ऑर्डर में क्यू में डाला एलिमेंट या जिस ऑर्डर में इससे रिमूव किया वही हमारा बी एफ एस का सीक्वेंस है, वही ब्रेथ फर्स्ट सर्च का सीक्वेंस. आई होप ये समझ में आया होगा बच्चों आपको. अगर आपको समझ में आ गया तो हम कोड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. बता दीजिए बच्चों अगर इस मन में आ गया तो हम लोग कोड की तरफ आगे बढ़े. यस सर. यस सर. ओके, सो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा उसी के हिसाब से हम कोड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड द कोड. और कोड में हमने एक ग्राफ तो ले ही लिया है और ग्राफ में हमने सारे अपने एजेस को एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में अरेंज कर दिया है. सो अब मेरा काम यह है कि मुझे एक क्यू लेना है. सो क्यू लेने के लिए आप एक इंटीजर टाइप का क्यू ले लीजिए, ठीक है, और इस क्यू का नाम लेट से कैपिटल क्यू हमने ले लिया. पहला काम आपको क्या करना है, क्यू में पुश करना है एलिमेंट. आपको सबसे पहले जीरो नंबर वर्टेक्स को इसमें पुश कर दीजिए. ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो दिख रहा है आपको या थोड़ा बड़ा करें इसको? ये सर दिख रहा है सर. ठीक है, तो मैंने क्यू में सबसे पहले जीरो नंबर एलिमेंट को पुश कर दिया. अब मुझे क्या करना है कि अपना ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करते रहना है जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए. तो क्यू की साइज आप कभी भी पता कर सकते हैं क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं. जब तक क्यू की साइज जीरो नहीं है तब तक अपने आप ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए. लेट्स से मैंने एक इंटीजर एक्स ले लिया और क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट किया. लेकिन क्यू में डिलीशन जैसे आप डायरेक्टली डी क्यू ऑपरेशन से कर देते हैं, लेकिन एसटीएल के थ्रू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू के फ्रंट एलिमेंट को आपको पिक करना पड़ेगा एंड देन आप क्यू को पॉप कर सकते हैं. पॉप करने का मतलब कि फ्रंट से एक एलिमेंट डिलीट कर देगा. जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो एक्स है. आपको क्या करना होगा कि एक्स एडजेंसी लिस्ट एक्स के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा, है ना. तो एडजेंसी लिस्ट एक्स में हम सभी एलिमेंट को एनालाइज करेंगे. तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक जैसे हमने के ले लिया इंटीजर और जीरो से इसको इनिशियलाइज कर लिया. और ये कहाँ तक जाएगा, एक्स वाली एडजेंसी लिस्ट के डी जे एडजेंसी लिस्ट एक्स के साइज तक, ठीक है. और उसके बाद आई प्लस प्लस के प्लस प्लस, सॉरी, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस वाले एडजेंसी लिस्ट में उनको एक एक करके एनालाइज करेंगे. तो हमें क्या करना है कि एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा सबसे पहले. तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए लेट से हमने एक वेक्टर ले लिया ऑफ इंटीजर टाइप और ये स्टेटस ही इसका नाम दे देते हैं. इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, इसमें एन एलिमेंट्स होंगे. एन एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि हम हर एक वर्टेक्स का स्टेटस रखेंगे. तो इस वाले मेथड से या स्टेटस के आप वैसे किसी भी वेक्टर को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते थे. इसमें इसकी साइज जीरो होती है लेकिन आपको एन साइज का एक वेक्टर चाहिए. और वैसे तो बाई डिफॉल्ट जीरो ही इनिशियलाइज होता है, लेकिन आप अगर आप स्पेसिफिकली इसको जीरो यहाँ लिखना चाहते हैं हर एक एलिमेंट को, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं एन कॉमा जीरो. तो दिस मीन्स दैट द स्टेटस इज अ वेक्टर ऑफ इंटीजर साइज इंटीजर टाइप एंड ऑल इट्स एलिमेंट हैव बीन इनिशियलाइज्ड टू जीरो. सो दिस इज द मेथड बाय विच यू आर डिक्लेयरिंग और टेकिंग अ स्टेटस अरे और स्टेटस वेक्टर विच हैज अ साइज एन. जब भी आप किसी एलिमेंट को क्यू में डालने जा रहे हैं तो उससे पहले उसके स्टेटस को वन कर दीजिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जीरो नंबर वर्टेक्स को क्यू में डालेंगे तो डालने से पहले आप उसका स्टेटस वन कर दीजिए. ओके, तो अब हमने क्या किया कि ये जो एलिमेंट हमने डिलीट किया है क्यू से और उस वाली एडजेंसी लिस्ट में जाके हर एक एलिमेंट को हम देख रहे हैं, तो हम कैसे देखेंगे. लेट्स से तो मुझे एलिमेंट मिला वो ई है लेट्स से, और उस एलिमेंट ई को एडजेंसी लिस्ट से जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है डिलीट करके, तो एडजेंसी लिस्ट से डिलीट करके नहीं, सॉरी, एडजेंसी लिस्ट में जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है तो उसको हम कैसे देखेंगे, ए बी जे, और हम रेफर कर रहे हैं एक्स वाली एडजेंसी लिस्ट को और उसके के पोजीशन वाले एलिमेंट को हम रेफर कर रहे हैं. मैंने ई में ले लिया उसको और ये चेक किया कि क्या स्टेटस ऑफ ई वन है,
जीरो है। अगर उसका स्टेटस जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है, और अगर ये एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो एक काम करो कि इसको एक्सप्लोर करते हुए इस एलिमेंट को ई एलिमेंट को क्यू में पुश कर दो। क्यू में पुश कैसे करेंगे या क्यू में इंसर्ट कैसे करेंगे, क्यू डॉट पुश फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसमें ई एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों जो भी मैंने लिखा? स्टेटस ऑफ क्रिएट समझ में आएगा? हाँ जी, हाँ स्टेटस ऑफ क्रिएट। इसके अलावा और कोई अपडेशन या समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या हुआ, या मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? सबसे पहले मैंने देखो, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करना फिर से शुरू करता हूँ। एक स्टेटस वेक्टर लिया जिसकी साइज एन है, सभी एलिमेंट को जीरो में स्लाइस कर दिया। फिर मैंने क्यू लिया, इनिशियली एम्प्टी क्यू है, और उसमें मैंने जीरो नंबर वर्टेक्स को पुश कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, और एक काम और किया कि इस जीरो नंबर वर्टेक्स के स्टेटस को वन कर दिया। तो जब तक क्यू में जीरो एलिमेंट ना हो तब तक हम अपने प्रोसेस को करते रहेंगे। तो प्रोसेस को करेंगे तो क्या किया हमने, फ्रंट वाले एलिमेंट को, क्यू के फ्रंट वाले एलिमेंट को हमने एक्स में ले लिया, फिर इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया क्यू से, फिर इसके बाद इस एलिमेंट के एडजेसेंट जितने भी वर्टिसेस हैं या इस वर्टेक्स के एडजेसेंट और जितने वर्टिसेस हैं उन सबको एक एक करके हमने देखा। अगर उस एलिमेंट का स्टेटस जीरो है तो उसको हमने स्टेटस वन करके क्यू में पुश कर दिया। ठीक है, अच्छा जिस ऑर्डर में हम यहाँ से रिमूव करेंगे एलिमेंट्स वही ऑर्डर मेरा बीएफएस का ऑर्डर होगा। जैसे जब हम रिमूव कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप प्रिंटिंग भी कर लो एलिमेंट की, जिससे कि आप ये बता सको कि यही ऑर्डर है बीएफएस का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख दिया सी आउट ऑर्डर ऑफ बीएफएस। इस मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों, बताते रहिएगा। प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। यस सर। ओके, सो ऑर्डर ऑफ बीएफएसएस हमने यहाँ पे जो जो एलिमेंट डिलीट किया क्यू से उन सभी को प्रिंट कर देगा। सो दैट्स ऑल, वी आर डन विद द बीएफएस। चेक करें इसको रन करके। सी आउट एक्स, ओके देयर इज अ सेमी कॉलन रिक्वायर्ड हियर। एक बार फिर से हम उसी ग्राफ की एंट्री करते हैं, और ग्राफ की एंट्री करने के बाद बीएफएस को तो एक बार थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं इस बार, और अपने ग्राफ को लेके आते हैं। वेयर इज माय ग्राफ, माय ग्राफ इज हियर। ओके, सो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसमें एंट्री करते रहेंगे। सो वी हैव टोटल 8 वर्टिसेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस आर 9। तो फर्स्ट एज है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हैं 0-3, सेकंड एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 0-5, थर्ड एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 5 और 6, फोर्थ एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 5 और 7, फिफ्थ एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 3 और 5, सिक्स्थ एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 3 और 4, सेवंथ एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 1 और 4, एट एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 1 और 2, नाइन्थ एज है उसके एंड पॉइंट्स हैं 2 और 3। सो वी हैव दी, यू कैन से दिस, सी दिस कि ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है, एंड देन उसके नीचे जो है बीएफएस का ऑर्डर है। सो दिस इज द बीएफएस ऑर्डर 0-3-5-4-2-6-7-1। आई अगेन रिपीट, 0-3-5-4-2-6-7-1। लेट्स वेरीफाई इट विद द क्वेश्चन दैट वी हैव डन और द न्यूमेरिकल वी हैव डन। Okay, 0-3, let's verify it one by one. So, first element is 0, second is 3, next is 5, next is 4, next is 2, next is 6, next is 7, and next is 1. So, the same thing has been observed here as well. You can see that